नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से चल रहा होगा। क्लास सेवंथ की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की। मैंने आप सभी लोगों से यह वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि जब यह पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैंने आप सभी लोगों से यह कहा था कि एक व्यवस्थित क्रम से मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पूरे क्लास सेवंथ की एनसीईआरटी को पढ़ा, फिर हमने रिवाइज किया और अब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और आप इस बात को समझेंगे कि कैसे और किस तरीके से और किस लेवल के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे प्रश्नों पर। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके सहूलियत के लिए मैंने डिफरेंशिएट किया है, हर एक चैप्टर से मैंने जो जो चुनिंदा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन सारे के सारे सवालों को मैंने लिया है। और जो लोग भी क्लास एक से लेकर के क्लास 18 तक, यानी कि 18 चैप्टर को अगर उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से उन्हें इस प्रैक्टिस को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको बैच में, इस वजह से अधिक डिटेल में चीजों को जानने के लिए आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे पोषण होता है, वही से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है सभी हरे पौधे अपना पोषण स्वयं तैयार कर सकते हैं, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपने पढ़ा है जब मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पहला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जितने भी पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण करेंगे अगर तो इसका मतलब वो भोजन बना लेंगे और भोजन बना लेंगे तो ऐसे ही पौधों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो निश्चित रूप से वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे और जब दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम परपोषी कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यानी कि इस रिएक्शन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं सकती, यानी कि यह भी स्टेटमेंट गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी कि कुल मिलाकर के पहला और चौथा ये दोनों सही होगा, पहला और चौथा ऑप्शन नंबर ए में है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिचर प्लांट जो होता है, पिचर प्लांट, ठीक है, कीटों को फंसाता है, क्यों किया, विषमपोषी होता है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ाता है, क्लोरोफिल नहीं है, इसमें इंसानों की तरह पाचन तंत्र है। पिचर प्लांट मैंने आपको बताया था कि ये अपने पत्तियों का आकार, ठीक है, अपनी पत्तियों का आकार, अपनी लीफ का आकार जो होता है वो क्या करता है, पिचर यानी कि घड़े के समान में बदल लेता है। ये आमतौर पर ऐसे जगहों पर उगते हैं जहां पर मृदा में क्या होती है, जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं, वो कीटों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको यहां पे बताने का प्रयास किया था कि जरूर याद रखना नाम, ठीक है, नाम जरूर याद रखना, नेपेंथिस, ठीक है, नेपेंथिस जो होता है यह भी कीटों को पकड़ने का कार्य करता है। यूट्रिकुलेरिया,
यह भी कीटों को पकड़ने का कार्य करता है। यूट्रिकुलेरिया यह भी कीटों को पकड़ने का कार्य करता है। और आमतौर पर ये जो पौधे होते हैं ये भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। तो जो लोग भी पूरे क्लास को किए होंगे ना, पूरी कहानी उनको क्लियर हो रही होगी, रिकैप तेजी के साथ में उनका हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है कौन सा? स्वपोषी, कीट खाने वाला, मृतोपजीवी या परजीवी यानी कि पैरासाइट। आपको बताना है कि ये जो मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है या फिर यीस्ट है। पहले तो आपको अगर इस चीज को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा ये सब क्या है। ये सब कवक है और कवक जो होते हैं, कवक में मैंने आपको बताया है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवक में क्या नहीं पाया जाता? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जब कवक में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो इसका मतलब है वो क्या रहेगा? वह भोजन नहीं बना पाएगा, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और वो दूसरे चीजों पर निर्भर रहना शुरू कर देगा, यानी कि वो एक प्रकार का परपोषी होगा। अब मैंने आपको बताया कि परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक परजीवी होता है पैरासाइट, जो एक को लाभ पहुंचाता है दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। परजीवी का मतलब होता है खुद तो लाभ की स्थिति में रहेगा लेकिन जिससे वो पोषण प्राप्त करेगा उसको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। मृतोपजीवी में मृत पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से पोषण को प्राप्त किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये मशरूम है या यीस्ट है या ब्रेड मोल्ड है, ये सब के सब क्या है? ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी क्यों है? मृतोपजीवी संदर्भ में है क्योंकि ये मृत पदार्थों से पोषण को प्राप्त करते हैं, इसी वजह से इनको मृतोपजीवी कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है कि हम एक आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस को मैंने खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया है, हैंड लेंस जिसको कहते हैं, जो चीजों को जूम करके दिखाता है, के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो इस तरह के उद्घाटन के लिए दिया गया है? रंध्र, लामिना, मध्य सिरा या नसें। बताना है आपको कि जब आप किसी भी पत्ती को आवर्धक लेंस के माध्यम से देखते हैं तो कई ढेर सारे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ये छिद्र और कुछ भी नहीं है, इन्हीं को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इन्हीं को विज्ञान की भाषा में हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा है, ये रंध्र है। ये क्या है? रंध्र है। और इस रंध्र का 2 महत्वपूर्ण कार्य हमने आपको बताया था। पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि इसी रंध्रों के माध्यम से ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को भी ग्रहण करते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को भी यहीं से करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहां से होता है? इसी रंध्र से, इसी स्टोमेटा से होता है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यही स्टोमेटा के माध्यम से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही हर एक चैप्टर से मैं चुनिंदा प्रश्नों को खींच करके निकाला हूं और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? किसी किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में कम है, लेकिन सारे चैप्टर से मैंने अभ्यास करवाने की कोशिश किया है। न्यूट्रिशन इन एलिमेंट एनिमल, यह चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए, उबला हुआ मिसा हुआ आलू, ग्लूकोज घोल, ब्रेड का एक टुकड़ा, सरसों का तेल। यहां पे क्वेश्चन में एक गलती है, ठीक है? क्वेश्चन में एक गलती है, क्वेश्चन में गलती जो है उसको मैं सुधार करता हूं, ठीक है? क्वेश्चन में जो गलती है उसको मैं सुधार करता हूं। इसमें यह दिया रहेगा, इसमें यह दिया रहेगा आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर, 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 आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर किसका रंग नीला काला हो जाता है? किसका रंग नीला काला हो जाता है? नीला काला हो जाता है, ठीक है?
क्वेश्चन है कि नीचे एक से लेकर के चार तक स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये चार स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि आयोडीन के साथ अगर परीक्षण किया जाए तो इनमें से किस पदार्थ का जो रंग है वो नीला और काला हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा, ठीक है, नीला और काला हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करें, ठीक है, यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आयोडीन क्यों यहां पे शब्द का उपयोग किया गया, ध्यान से पहले समझो। आयोडीन इस वजह से प्रयोग किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और आयोडीन जो माध्यम होता है उस माध्यम के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं कि किसी दिए गए खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेशली किसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टार्च की, मैं मंड की बात कर रहा हूं। तो उबला हुआ आलू और मिसा हुआ आलू, ये तो बहुत प्रचुर स्रोत होता है, प्रचुर स्रोत होता है, यानी कि आलू में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च ही पाया जाता है, याद रखना आलू में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, स्टार्च ही होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज घोल, ठीक है, ग्लूकोज घोल नहीं, घोल से इससे कोई मतलब नहीं है। ब्रेड का कटा हुआ टुकड़ा, ठीक है, ये भी इसमें भी स्टार्च की अधिक मात्रा होती है। सरसों का तेल, ये फैट है, ठीक है। तो ए और सी, ठीक है, ए और सी, यानी कि ए और सी का मतलब है पहला और तीसरा, पहला और तीसरा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में क्या है समान है। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है, कार्य समान है। उनके कार्य क्या है, उनके कार्य समान है। जैसे आपको मैंने बताया चार प्रकार के दांत हैं। एक दांत कौन सा है, एक दांत है इंसीजर, ठीक है, मैंने आपको बताया है एक दांत कौन सा है, इंसीजर। दूसरा कौन सा होता है, केनाइन, केनाइन। तीसरा कौन सा होता है, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा कौन सा है, मोलर। तो लगभग सारे दांतों की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। इंसीजर चपटा है, केनाइन नुकीला है, प्रीमोलर चौड़ा है, मोलर और चौड़ा है, छोटा है, लेकिन उनका कार्य क्या है, लगभग क्या है, समान है। तो वो है प्रीमोलर और मोलर, क्योंकि इन दोनों का कार्य लगभग समान होता है, इन दोनों का लगभग कार्य समान होता है, चवर्डक और अग्रचवर्डक, क्योंकि ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं, ये भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं, तो लगभग समान होता है, याद रखना। और 21-23 का फॉर्मूला जरूर याद रखना, 2-1-2-3 ये डेंटल फॉर्मूला है वयस्कों में, और 2-1-0-2 ये 5 वर्ष से कम बच्चे का डेंटल फॉर्मूला है 2-1-0-2। और वयस्कों का क्या है, वयस्कों क्या क्या है, तो वयस्कों का क्या है 21-23, यानी कि 2-1-2-3। अब ये डेंटल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना, डेंटल फॉर्मूला, यानी कि कैसे हम ये निकालेंगे कि मनुष्य के, वयस्क मनुष्य में 32 दांत, और कैसे हम ये ज्ञात करेंगे कि 5 वर्ष में जो होता है इस तरीके के दांत पाए जाते हैं। आशा करूंगा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पेट में मौजूद जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, तो पेट में जो मौजूद एसिड है हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं, पेट के अस्तर को हानिकारक पदार्थों से बचाता है, स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है, माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो भाई अम्लीय है तो क्षारीय तो बनाएगा नहीं, शर्करा को पचाने का कार्य ही नहीं करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर जाते हैं, ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा कि जो मौजूद एसिड है उस एसिड का नाम क्या है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, मैंने आपको बताया था कि 2-3 कार्य होते हैं, कंकड़ पत्थर को गलाने का काम होता है, जीवाणुओं को मारने का काम होता है, ठीक है, और सक्रिय एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदलने का भी कार्य होता है। तो कई ढेर सारे इसके कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अमीबा की बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है केवल संचलन, केवल भोजन पर, भोजन और संचलन का अधिग्रहण के लिए, केवल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। ये जो अमीबा के बनावटी या कृत्रिम पैर होते हैं, ठीक है, अमीबा के जो बनावटी पैर होते हैं, इसका उपयोग वो किस रूप में करता है, केवल प्रचलन में यानी कि केवल चलने के रूप में, या फिर भोजन के रूप में, या फिर भोजन और संचलन पर अधिग्रहण करने के रूप में, या फिर केवल गैसों के आदान प्रदान में। तो आपको पता होगा कि उसका जो कृत्रिम पैर होता है वो भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए किया जाता है,
यानी कि भोजन पर भी अधिग्रहण करने के लिए और साथ ही साथ संचलन यानी कि चलने के लिए भी इसका उपयोग वो करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, यह भी याद रखना, एक कोशिकीय जीव होता है। और मैंने आपको बताया कि अमीबा की सबसे खास बात यह होती है कि अमीबा जो होता है अगर उसको कट कर दिया जाए तो एक अलग प्रकार का अमीबा जो है जन्म ले लेगा, दूसरा अमीबा जन्म ले लेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं को, भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो है जो जुगाली का भोजन होता है वो क्या कैसा भोजन होता है, निगला और अपचित, निगला और आंशिक रूप से पचा, ठीक से चबाया हुआ और आंशिक रूप से पचा हुआ, और ठीक से चबाया और पूरी तरीके से पचा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं जिसको हम रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल क्या करते हैं, ये भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको लेके जाते हैं अमाशय में अपने, और अमाशय से फिर उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं और फिर धीरे 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 उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। तो जब वो अमाशय से आता है तो वो आंशिक रूप से पचा रहता है, आंशिक रूप से पचा रहता है, ये पूरी कहानी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो याद रखना निगला और आंशिक रूप से पचा, ठीक है, निगला और आंशिक रूप से पचा हुआ रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी निगला और आंशिक रूप से पचा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुच्छांश के अच्छे स्रोत होते हैं। रुच्छांश का मतलब क्या होता है सर, रुच्छांश का मतलब होता है फाइबर, रुच्छांश का मतलब क्या होता है, रुच्छांश का मतलब होता है फाइबर, फाइबर याद रखना। अब ये फाइबर क्या होते हैं, ये कह रहा है सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, कोई भी प्लांट से बना हुआ आइटम अगर आप खा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें सेलुलोज पाया ही जाएगा, उसमें सेलुलोज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्लांट का जो सेलवाल होता है वो सेलवाल ही किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो मनुष्यों में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं, यही सही है, याद रखना मैंने आपको पढ़ाया है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन नहीं होने के पीछे का कारण है कि सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता है, सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता है, इसी वजह से सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ठीक है, पहले कभी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नामक जो संरचना थी ना, वो सेलुलोज का पाचन कभी करती थी, सहायता करती थी, लेकिन आज के समय में ये वेस्टेजियल ऑर्गन हो गई, अवशेषी अंग हो गई है, और अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो अब कार्य नहीं करते, पहले कभी कार्य करते थे लेकिन अब कार्य नहीं करते। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करूंगा मजा आ रहा होगा, भले ही लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन आनंद आ रहा होगा। वो लोग जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उनको यह प्रैक्टिस बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, और जो केवल प्रैक्टिस के लिए ही आए हैं नहीं भाई, तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से याद रखना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भोजन को जब चबा चबा कर खाया जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, इकट्ठा निगलोगे ना तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वहां पे कुछ लोगों को गेंद बाउंस कर रहा होगा कि सर ये सब क्या समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर थ्री क्या था, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक पर बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, रेशम का प्रकार नहीं है, शहतूत रेशम का प्रकार है, टसर रेशम का प्रकार है, मूंगा रेशम का प्रकार है, जिसमें से सबसे प्रचलित कौन सा है, शहतूत, लेकिन ये मोथ रेशम का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा नहीं है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम यानी कि ये जो सिल्क है, ये सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि एक अवस्था होती है बॉम्बेक्स मोरी की, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकून, तो वो कोकून से प्राप्त किया जाता है। और रेशम को भूलना नहीं है, सिल्क क्या है, रेशम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रकार की क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना रेशम एक प्रकार की, सिल्क क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, रेशम का रेशा प्राप्त होता है भेड़ की ऊन से,
कपास की गेंद से, कोकून से या चमकदार जूट के डंठल से? तो अभी उत्तर मिला आपको क्या, कोकून से। ठीक है, कोकून से प्राप्त किया जाता है, कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास की गेंद से तो हम रुई प्राप्त करते हैं ना, रुई प्राप्त करते हैं। ठीक है, रुई प्राप्त करते हैं, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन। ठीक है, और चमकदार जूट के डंठल से हम जूट को प्राप्त करते हैं, जूट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखना जूट पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त किया जाता है, इसके तने को सड़ा करके जूट को निकाला जाता है। और कपास जो होता है, कपास की गेंद से हम कपास को प्राप्त करते हैं, यानी कि रुई को प्राप्त करते हैं, कॉटन को प्राप्त करते हैं। और भेड़ के ऊन से हम ऊन प्राप्त करते हैं, न केवल भेड़ बल्कि मैंने आपको बताया था बकरी से भी हम ऊन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहां पे अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। चयनात्मक का मतलब ये होता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसे भेड़ चाहिए जो अधिक ऊन देता हो। अधिक ऊन को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसा भेड़ जन्म देना होगा जिसमें अधिक ऊन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके फादर यानी कि जो नर भेड़ है और इसके जो मदर यानी कि जो मादा भेड़ है, इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा तो ये पैदा होगा। तो हमें ऐसे फादर भेड़ की और मदर भेड़ की चुनाव करना पड़ेगा जिसके जीन अच्छे हों। भाई माता पिता के ही गुण आते हैं बच्चे में, तो अच्छे किस्म के नर भेड़ और अच्छे किस्म के मादा भेड़ को सेलेक्ट करके जो है जब क्रॉस करवाया जाता है तो इस प्रकार का भेड़ उत्पन्न होता है जिसमें अधिक अधिक ऊन देने की क्षमता होती है। इसी प्रजनन को, इसी प्रोसेस को हम चयनात्मक ब्रीडिंग कहते हैं, है ना, इसी को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो वांछित गुणों वाली संतानों का चयन करना है ना, हम चाहते हैं कि भाई वांछित गुण हमारे मिले, हमें ऊन चाहिए, तो ऊन के लिए हमने चयन किया कि ये भेड़ सही रहेगी, ये नर भेड़ सही रहेगी, ये मादा भेड़ सही रहेगी, और उनका जब हमने क्रॉस कराया तो जो भेड़ उत्पन्न हुआ निश्चित रूप से वो अधिक जो है उसमें गुणों का विकास रहेगा, अधिक प्रकार के गुण उसमें पाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 13 के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 पे। रेशम की रीलिंग क्या होती है? रेशम की रील बनाने की प्रक्रिया, रेशम के रेशों की कताई, रेशमी कपड़े की बुनाई या कोकून से रेशम से धागे निकालने की प्रक्रिया। रीलिंग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रीलिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि रीलिंग जो होता है उसे क्या होता है। ठीक है, रीलिंग हम किसे कहते हैं? तो याद रखना, रीलिंग जो होता है, कोकून से धागा निकालने की जो प्रक्रिया होती है, कोकून से जो धागा निकालने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं। तो रीलिंग क्या हो गया, समझ में आ गया कि कोकून से जब रेशम का धागा निकालने की जो प्रक्रिया, और बड़ा ही हिंसात्मक ये प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया है कि उबलते हुए जल में इस कोकून को डाल दिया जाता है, ठीक है, फिर रेशा निकाला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। रेशम कीट रेशों का स्राव करता है, वह बना होता है किसका? लीजिए, ये जो रेशम कीट होता है, द फाइबर दैट द सिल्क वॉर्म सीक्रेट्स द मेड अप ऑफ वसा सेलुलोज प्रोटीन एंड नायलॉन। तो मैंने आपको बताया है भाई कि रेशम जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक सवाल लिया था और वहां पर जानबूझकर मैंने गलती कर दिया था, फिर दो तीन सवालों के बाद मैंने उसका सुधार भी किया था, लेकिन अभी भी उस पर कमेंट्स आते हैं कि सर रेशम जो है आपने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे भाई, जूट कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? जूट। ठीक है, जूट, ये जो जूट होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। या फिर कपास, कपास, कपास को भी आप रख सकते हैं। कपास भी क्या होता है, कपास और जूट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो रेशम होता है वो रेशम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, रेशम क्या होता है, रेशम प्रोटीन होता है। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? उष्मा। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? उष्मा। उष्मा पे बात कर लेते हैं। उष्मा क्या है? एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार से कुछ परतों में लपेट दिया, उसने खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि अब आप भी जब बाइक से निकलते हैं ठंडियों में तो पेपर ले लेते हैं। ठीक है, तो अखबार की परतों के बीच घर्षण से उष्मा पैदा होती, अखबार की परतों के बीच में फंसी वायु उष्मा की कुचालक होती। यही
हमारा सही उत्तर होगा। मैंने आपको बताया है कि वायु जो होती है वो उष्मा की क्या होती है, कुछ अलग होती है। जब कोई भी व्यक्ति निकलता है और पेपर को लेकर जाता है, दो तीन पेपर रख लिया उसने, तो वायु की परत उसके बीच में आ गई, और जब वायु की परत आ गई तो वायु उष्मा की कुचालक होती है, वो उष्मा को अंदर नहीं आने देती है, और परिणाम स्वरूप जो है शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इस बात को याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान क्या था, 98.6 फारेनहाइट, और बुझो का तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहेली का शरीर का तापमान बुझो से अधिक है, पहेली के शरीर का तापमान बुझो से कम होता है, दोनों के शरीर का तापमान समान है, दोनों बुखार से पीड़ित हैं। यदि आप ध्यान दीजिए तो मैंने आपको बताया है कि सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में बदला जा सकता है। तो आप फार्मूला लगाओ, क्या है, सी माइनस जीरो अपान 100 बराबर एफ माइनस 32 अपान 180, इसी फार्मूले पे रखो, है ना। तो आप इस फार्मूले पे जब रखोगे ना, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस यहां पे वैल्यू 37 रखो, तो एफ का मान देखना कितना आएगा, 98.6, या एफ का मान 98.6 रखो तो देखना सी का मान कितना आएगा, 37 आएगा, यानी कि दोनों का तापमान क्या होगा, इक्वल। पहेली का शरीर का तापमान बुझो से अधिक नहीं, पहेली और शरीर का तापमान बुझो से कम होता नहीं, दोनों के शरीर का तापमान क्या है, समान है। और यही वास्तव में शरीर का तापमान होता भी है। एक सामान्य व्यक्ति का तापमान 98.6 फारेनहाइट, मैं बार बार बताया हूं 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा, 310 केल्विन होता है। केल्विन में कितना होगा ब्रदर, 310 केल्विन होगा, 310 केल्विन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मजा आ रहा होगा हमको लगता है, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल वे होते हैं जिनमें H+ आयन देने की क्षमता होती है पानी में घुल करके, क्षार वे होते हैं जिनमें OH- देने की क्षमता होती है, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। चलिए समझते हैं एसिड बेस साल्ट से कौन कौन से क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल को क्षार के साथ में मिलाया जाता है, अम्ल को जब क्षार के साथ में मिलाया जाता है तो लवण मिलता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, पानी बनता है, मैंने आपको बताया है। और इसी जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है, लवण और पानी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, लवण और पानी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है, और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। कैसे होते हैं, लाल और पीला, नीला और लाल, गुलाबी और रंगहीन, रंगहीन और गुलाबी। यदि आपको ध्यान हो, ध्यान हो अगर आपको अच्छे से, तो मैंने बताया था कि कई ढेर सारे सूचक होते हैं, ठीक है, और ये सूचक आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपको फिनोफ्थलीन को तो याद ही रखना है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था गुड़हल, गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प भी एक जो है संकेतक होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था हल्दी, यह भी एक प्रकार का संकेतक होता है, बाकी लाइकेन तो होता ही है। तो इन सबकी सहायता से हम अम्लीयता और क्षारीयता का बोध कर सकते हैं, इन सबकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता का बोध कर सकते हैं। तो याद रखना कि जब फिनोफ्थलीन का रंग अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या होता है, अम्लीय विलयन में कैसा होता है, रंगहीन, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रंगहीन और गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जब मिट्टी बहुत क्षारी, बहुत अधिक क्षारी होती है, तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते, इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ, कली चूना, कास्टिक चूना, कैलोमाइन विलयन। भाई विलयन यहां पे मिट्टी क्या है, क्षारी है, मिट्टी क्या है, क्षारी है। तो अगर मिट्टी क्षारी है तो क्षारियता को हटाने के लिए आपको अम्लीयता लानी पड़ेगी, है ना। जैसे अम्लीय मिट्टी है तो अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए आपको चूना
का इस्तेमाल करना चाहिए। चूना का इस्तेमाल करने से क्या होता है, पिट्टी की अम्लीयता दूर हो जाती है। क्लियर है? यहां पर क्या हम करेंगे, कार्बनिक पदार्थ को डालेंगे। कार्बनिक पदार्थ को डालने से क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ के डालने से विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे और ये जो जीव होंगे ये मिट्टी को क्या कर देंगे, ये मिट्टी को अम्लीय बना देंगे, क्योंकि जीवों के अंदर अम्लीयता प्रोड्यूस करने की क्या होती है, क्षमता होती है। नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले और लाल में बदल जाता है, चलो बताओ, एक घोल हल्दी सूचक का रंग क्या होता है, पीले से लाल में बदल जाता है। अब आपको बताना है हल्दी का रंग पीले से अगर लाल हो गया तो क्षारी है कि उदासीन है या फिर अम्ली है। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हल्दी जो है गिर जाती है और जब आप उस पे साबुन डालो या फिर धोने का प्रयास करो साबुन से डिटर्जेंट से, तो वो क्या होता है, वो लाल रंग में बदल जाता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, सोडा है ना। अब सोडा होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो अगर हल्दी का रंग पीले से लाल हो गया तो इसका मतलब वो क्षारीयता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो क्षारीय है, याद रखना। इसके बाद याद रखना, रंगहीन विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय, या तो अम्लीय या तो क्षारीय, या तो अम्लीय या उदासीन, या तो क्षारीय या तो उदासीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी, यानी कि या तो अम्लीय होगा या फिर क्या होगा, उदासीन। ठीक है, मैंने पढ़ाया है कि रंगहीन विलयन है और उसमें फिनोफ्थलीन सूचक को अगर मिला दिया जाए और कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है तो इसका मतलब है या तो वो अम्लीय होगा या तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। पीछे भी मैंने डिस्कशन किया है सवाल में। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 क्या था हमारा, चैप्टर हमारा नंबर 6 था कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज। बहुत ढेर सारी मैंने बातें बताई है, एक बेसिक बात यह थी कि भौतिक में क्या होता है, भौतिक में क्या होता है, भौतिक उत्क्रमणीय होता है, यानी इसको दोबारा बदला जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्थाएं भले ही बदलती हैं लेकिन जो गुण होता है रासायनिक वो कभी बदलता नहीं है, जबकि रासायनिक में क्या होता है, पूरी तरीके से रूप रंग आकार प्रकार और संरचना भी बदल जाती है। अब इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। मैग्नीशियम रिबन का दहन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर मोमबत्ती पिघल गई है फिर से उसको ठोस रूप शेप में रखो और फिर से जलाने का कार्य कर सकते हो, तो जिसको दोबारा आप प्राप्त कर सकते हो भौतिक, जिसको आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हो वो रासायनिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तारों का टिमटिमाना, सब्जियों का पकना, फलों का कटाई या पानी का उबलना। तो इसमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा, सब्जियों का पकना, पकना, रैपनिंग ऑफ वेजिटेबल, फलों का पकना, सब्जियों का पकना और किसी भी चीज का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और तारों का टिमटिमाना ये भौतिकी के विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स के अंतर्गत आता है, आगे चलकर के आप पढ़ेंगे कि तारे अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इससे कोई मिसमैच है, सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है, केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो याद रखना रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है और गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने पर जस्ते का लेपन किया जाता है और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और आप दो तीन तथ्य को जरूर याद रखेंगे कि जब लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने के लिए वायु कैसी होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए।
आद्र होनी चाहिए तभी जंग लग सकता है और यह एक प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है और इसमें लोहे का भार क्या होता है, इसमें लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, यह भी बात याद रखना है। और फेरसोफेरिक ऑक्साइड जो यौगिक का निर्माण होता है जंग में, जो लाल भूरे रंग की संरचना बनती है जंग में, वो और कुछ नहीं, वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। वो क्या होती है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, याद रखना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है। सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। यह तो गलत है ना, यह तो उल्टा लिख दिया। ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बिल्कुल, रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गैस निकल सकती है, ऊष्मा निकल सकती है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, यानी कि इसमें से केवल दो सही होगा, केवल दो सही है, क्योंकि स्टेटमेंट जो पहला है ये उल्टा दिया है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि रिवर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करूंगा चीजें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो आज मैंने 6 चैप्टर को ही लिया है, इसको खूब अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिएगा, खूब बेहतर ढंग से आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैंने रैपिड फायर के तहत भी बेहतरीन तरीके से रिवाइज कराने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, अब हम अगले सेशन में, यानी कि कल की वीडियो में आप देखेंगे कि कल मैं चैप्टर सेवन से स्टार्ट करूंगा और आपके पूरे क्लास सेवन की एनसीईआरटी से ऐसे चार चार सवाल, हर एक चैप्टर से 4 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, ऐसे सवालों को लेकर के पूरे, जिस तरीके से चैप्टर की मांग होगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके से मैं चीजों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बहुत तेजी के साथ में मैंने रिवीजन कराने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख दूं। तो इस 40 मिनट की वीडियो को आप खूब अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। होली का पर्व है, होली का उत्सव है, मुझे पता है कि आप रंग से सराबोर होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे जीवन में भी सफलता का उत्सव होगा तो वो याद रखना इस रंग के उत्सव से उसका रंग कई गुना गाढ़ा होता है। इस वजह से आज के समय में सफल होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपने विजन को, अपने उद्देश्य को भूलना नहीं है आपको। खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए, खूब अच्छे तरीके से इस रंगों के उत्सव को आप सेलिब्रेट करिए, मनाइए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि दुनिया का कोई भी त्योहार या आपके जीवन की कोई भी खुशी आपके सिलेक्शन की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती। जिस दिन आप अपना ऐसे रोल नंबर टाइप किए और सरकारीरिजल्ट.com में आपका रोल नंबर यूं हाईलाइट होकर के आ गया, विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, कसम खा के कह रहा हूं, वो जो खुशी आपके चेहरे पर रहेगी, उस समय जो खुशी रहेगी आपके चेहरे पर, उस खुशी की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आप हजारों उत्सव मना लीजिए, आप हजारों त्योहार को सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन वो जो दिन होगा, वो जो खुशी होगी ना, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो उसके लिए काम करना है हमको और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं भी घर पे आया हूं, लेकिन मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया कि आपकी पढ़ाई बाद, इतना आप पढ़ते रहे यूं ही अनवरत रूप से, क्योंकि जब पढ़ाई ब्रेक हो जाती है तो फिर उसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल वाले वीडियो में और इसके, यानी कि चैप्टर 7 से हम आगे की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।